पहले मैंने सारे हेडिंग लिख लिए हैं। चलिए चलिए देखिए, अगेन हेडिंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट यानी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स लिख लिया, क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस में हमें कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दे रखा था, तो इसलिए ग्रॉस वाला कोई पंगा यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, और ये चैप्टर हर बच्चों को आना है, क्योंकि जो लास्ट यूनिट है ना हमारा, वहां पे एक कॉस्ट रिकंसिलेशन का भी चैप्टर आ जाता है। मैं इसी के बाद कॉस्ट रिकंसिलेशन करा दूंगा, सो दैट आपको क्लियर रहे कि भैया ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक रहेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट, और क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे देंगे हम इसका। कहता है प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ठीक है सर बना देंगे। द फॉलोइंग डेटा डेटा अवेलेबल प्रोवाइड बाय द अरुणा इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12 को। कहता है भैया हमारे पास रॉ मटेरियल 15,000 का है, तो रॉ मटेरियल तो यहाँ आएगा, हमारा रॉ मटेरियल तो यहाँ आएगा, दैट इज 15,000। और ऊपर पूरे हेडिंग लिखने हैं आपको, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, यहाँ लिखना है कॉस्ट शीट, प्रॉपर चीजें लिखनी है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट लेबर ये भी यहीं आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर कितने का है सर? डायरेक्ट लेबर 9,000। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, कलर कौन सा ले लें हम? ग्रीन ले लेते। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद मशीन आवर दे रखा है, ध्यान दीजिएगा मशीन आवर। मशीन कहाँ पे चलेगा सर? फैक्ट्री में। और कहता है मशीन आवर रेट, और 1 घंटे का जो रेट है वो 5 रुपए का है। तो आप फैक्ट्री के अंदर खर्चे की बात देखो कैसे बता रहा है ये। मशीन आवर, मशीनरी का डेप्रिसिएशन जब भी बोला जाए तो फैक्ट्री के रिलेटेड है, और फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ये तो बन गया सर फैक्ट्री ओवरहेड बन गया। तो यहां पे अगर मैं प्राइम कॉस्ट के बाद लिखूं फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्वेश्चन में कहता है भैया मेरा मशीन 900 घंटे चल रहा है और 5 रुपए पर रेट लग रहा है, तो वेरी वेरी सिंपल, आप कौन बच्चा बताएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? मशीन 900 घंटे चले और 1 घंटे का खर्चा मेरा मशीनरी को चलाने में आ रहा है 5 रुपए का, तो आप मुझे बताइए कि फैक्ट्री ओवरहेड यहां से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता? अगर निकाला जा सकता है तो अमाउंट बताइए कितना होगा फैक्ट्री ओवरहेड का। तो वेरी सिंपल सर, फैक्ट्री ओवरहेड तो बड़ा सिंपल निकल जाएगा, 900 × 5 यानी कितने हो गए सर? 4500। 900 × 5 कितने हो गए? 4500। अब दे रखा है आपको प्रोडक्शन, आपको ये नहीं बताया कि प्रोडक्शन क्या है, बस इसने यूनिट दे दिया कि भैया आपने इतने यूनिट प्रोडक्शन किया है। ओहो, यानी इसका मतलब यहाँ पे फिर से हमें परेशान करेगा। सेल यूनिट लिखेंगे, सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस में प्रोडक्शन माइनस में क्लोजिंग, मैंने सिंपल लिखा। और ये सारी जो चीजें लिखी है ये किसमें? रुपीज के टर्म्स में, यूनिट में, बताओ। ये जितनी भी बार मैं करूंगा ये फॉर्मूला हमेशा किसमें होगा? वो यूनिट में होगा, हमेशा किसमें होगा? वो यूनिट में होगा। काफी बच्चों का जवाब आ भी गया था। चलिए अब देखते हैं हम आगे, टू बी कंटिन्यू यूनिट। ठीक है सर, आ गया आंसर। अब आगे कहता है कि सेल करा हमने 16,000 यूनिट। अच्छा जी, सेल 16,000 यूनिट, ओके लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक का नहीं पता, प्रोडक्शन 17,100, ओके 17,100 यहाँ फॉर्मूले के अंदर लिख रहे हैं। आगे कहता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 रुपए, तो वेरी सिंपल, सेल्स निकाल लोगे 16,000 × 2 में 4 यानी 64,000 यूनिट का हमने रुपीस का सेल किया है। कहता है सेलिंग ओवरहेड 50 पैसे है, तो 50 पैसे कैसे निकालेंगे? सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 50 पैसे तो 0.5, और कितने यूनिट बेचे तो कितने आएंगे? 8,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, आगे क्या कहता है? ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट किसको बोलते हैं याद है? वर्क कॉस्ट किसको बोलते हैं सर याद है? सर फैक्ट्री कॉस्ट का ही नाम है वर्क कॉस्ट। बोलता है जो एडमिन का खर्चा होगा, यहां आता है एडमिन,
बोलता है एडमिन जो ये निकल के आएगा इसका 20% ये माना जाएगा। कहने का मतलब है जो ये निकल के आएगा उसका 20% ये माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। यानी सर अब हमारा यहाँ प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, हम टोटलिंग कर लेंगे और जो यूनिट वाला पंगा है अभी देख लेंगे, 24,000, और ये निकल के आ जाएगा 28,000। तो अब कौन बताएगा एडमिन क्या होगा? सर एडमिन होगा 28,500, और उसका कितने परसेंट? 20%, तो कितने हो जाएंगे? 5,700। हाँ 28,500, 5,700, 57। अब आ जाइए 34,200, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 34,200 क्या है? 34,200 क्या है मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप, 34,200 क्या है? प्रोडक्शन है, 34,200 क्या है? सामने लिखा है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मैं इसको आपके सिंपल शब्दों में लिखूं, ये है सामान बनाने का खर्चा, यही बोलूं मैं सिंपल शब्दों में कि भैया जो पूरे दिन रात मेहनत करके हमने काम किया है, उस काम को करने के बाद जो हमें यूनिट निकल के आया है, वो यूनिट बनाने का खर्चा जो है उसी को तो क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल रहे हैं। और हमने पूरी मेहनत करके जी जान लगा के कितने प्रोडक्शन करी थी मैंने? 17,100 यूनिट बना पाए थे, और इस 17,100 यूनिट बनाने में हमारी लागत कितनी आ गई, हमारी कॉस्टिंग कितनी आ गई? 34,200। पहले इतनी बात समझ में आई कि हमने 17,100 यूनिट बनाया और उस टोटल को बनाने में हमें कितना खर्चा करना पड़ा? 34,200 रुपीज मुझे एक्सपेंस करने पड़े 17,100 यूनिट फॉर प्रिपरेशन। तो मैं इतना क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मुझे बता पाएंगे कि एक यूनिट को बनाने में हमारा कितना खर्चा आ रहा है? कोई बता पाएगा कि एक यूनिट को बनाने में हमारा कितना खर्चा आ रहा है? आपको मैंने बता दिया कि टोटल कितना खर्चा आया और उससे कितने यूनिट बने, तो एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा? कोई बच्चा बता सकता है एक यूनिट को बनाने में खर्चा? सुहानी का जवाब आया सर 2 रुपए, अफरीन का जवाब आया 2 रुपए, ऐश्वर्या 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, मैक्सिमम बच्चे जवाब दे रहे हैं सर 2 रुपए, और ऑफलाइन में भी क्या कह रहे हैं? 2 रुपए। अब ये चमत्कार कैसे हुआ वो बता देते हैं, ये कैसे निकाला होगा आपने? वेरी सिंपल सर, पर यूनिट कॉस्ट आपका टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, यही तो किया है आपने। तो टोटल अमाउंट था आपका 34,200 और 17,100, तो डिवाइड कर दोगे तो 2 आ गया। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, हमने बनाए कितने यूनिट? 17,100, बेचे कितने? बनाए कितने यूनिट सर? सर बनाए आपने ये, बेचे कितने सर? बेचे आपने ये, तो इसका मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि बनाए मैंने ज्यादा और बेचे कम, तो जो बाकी का डिफरेंस है वो हमारे दुकान में ही पड़ा होगा। बाकी का जो डिफरेंस है वो कहाँ पे होगा हमारे? और दुकान में अगर कोई सामान बच जाए तो उसको किस नाम से जानते हैं? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं उसको। किस नाम से जानेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग जरूरी नहीं है कि हो, ओपनिंग नहीं है तो नहीं है, तो यानी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ क्लियर कट पता चल रहा है कि निकल सकता है या नहीं है बताओ। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को फॉलो करूँ ये तो 0 है भाई साहब, क्लोजिंग स्टॉक इधर उधर करेंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक क्या निकल के आएगा? और आप ऐसे ओरल भी निकाल सकते हो सर, क्लोजिंग स्टॉक तो आपके आगे कितने? सर 1,100 एकदम आगे आपके क्या? यूनिट क्लोजिंग स्टॉक यही आएगा, 1,100 आगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्यों ना क्लोजिंग स्टॉक की जगह कहाँ है सर? यहाँ है क्लोजिंग स्टॉक की जगह, क्लोजिंग स्टॉक की जगह सर यहाँ पे है। कहाँ है? प्रोडक्शन के बाद यहाँ तो एडमिन आएगा, यहाँ तो एडमिन आएगा, मैंने एडमिन कहाँ डाल दिया, गड़बड़ हो गया। हाँ नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही तो है।
ठीक तो चल रहे हैं, यहाँ पे एडमिन आएगा ना, सेलिंग एडमिन तो अभी लिखा ही नहीं हमने। हाँ ठीक चल रहे हैं, अरे घबराने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। प्लस ओपनिंग स्टॉक किसका सर, एफ जी का, कितने हैं, जीरो। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक एफ जी का कितने हैं सर, एफ जी का हमारे पास रुपए तो नहीं पता, 1100 पता है हमें, रुपए पता है क्या आपको, बताओ रुपए क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है ये तो नहीं पता, लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने बचे हैं, क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट पता है सर, 1100 है। अब आपको ये भी पता है कि एक यूनिट बनाने का आपका जो खर्चा आ रहा है दैट इज आपका 2 रुपए आ रहा है, तो वही तो बचा होगा, जितना माल बनाया है उसी में से तो बच गया होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो वेरी वेरी सिंपल, क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा सर, 2200 निकल करके आएगा। और जैसे ही इसको माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, 2200 माइनस करो तो क्या जवाब आया सर, 30,000। 2200 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 32,000। पहले यहां तक देखिए, कहता है इसके बीच में कौन है सर, इसके बीच में कौन है, यहां मेरे को एक गड़बड़ी लग रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा मैंने प्रॉफिट की जगह पे ये लिख दिया, तभी इतने देर से मैं सोच रहा हूँ हुआ क्या है यहाँ, यहाँ पे तो प्रॉफिट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स और इसके बीच में, भाई तू ऊपर चले जा, अरे और तुम भी ऊपर चले जाओ। अब इसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा क्या आएगा, 32 और 8 40। अब इन दोनों के बीच का जो फासला होगा उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे प्रॉफिट। 64 और 40 के बीच का फासला क्या है, 24। और हम अपना जो पूछा गया था क्वेश्चन में बना लिया हमने, क्या था, प्रिपेयर कॉस्ट शीट, और डेटा से हमने प्रिपेयर कॉस्ट शीट बना लिया इस पूरे डेटा को। हालांकि यहां तक होता है कॉस्ट शीट, ध्यान रखना यहां तक क्या होता है, और नीचे का पोर्शन तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता के चल रहा हूँ, और यहां तक होता है प्रॉफिट, कॉस्ट मतलब जो पूरा है, तो लेकिन हम पूरा ही बना के चलेंगे। अब बताइए किसी बच्चे का कोई दिक्कत है, तो किसी भी स्टूडेंट का कोई इशू कोई प्रॉब्लम बता दीजिए फटाफट, बताइए, क्लियर है एवरीथिंग, एकदम क्लियर है यहां तक। चलिए एक क्वेश्चन और दे, अभी तक हमने पहले तो ये समराइज कर ले कि आज की क्लास 1 घंटे में हमने क्या सीखा है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि अगर किसी क्वेश्चंस में आपसे इस पूरे शीट में से कोई भी आइटम पूछ ले तो आप इजीली माइनस प्लस करके फाइंड कर लोगे, दैट इज हमने परचेज निकालना सीखा। इसके अगले पॉइंट में हमने क्या सीखा कि सर अगर हमें प्रोडक्शन दे दे तो हम सेल्स भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा, उसी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया पिछले क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले की मदद से हमने क्या निकाल लिया था, प्रोडक्शन, इस बार इस फॉर्मूले की मदद से, सॉरी सेल निकाल लिया था पिछली बार, सेल ही निकालना था ना, हाँ सेल, इस बार इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकाल पाए हम, क्लोजिंग। लेकिन फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, दिमाग भी लगाना है कि भैया 17,100 यूनिट, 17,100 यूनिट अगर हमने प्रोडक्शन किया है तो उसके अंदर सोल्ड ओनली अगर 16,000 यूनिट किया है अगर हमने, तो भैया बाकी कहां गए, दिमाग लगाओ बाकी बच गए वो क्या माना जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। फंडा ये है कि भैया ये तो यूनिट पता चला है, लेकिन इस यूनिट को हमें अगर पता करने के लिए, जानने के लिए कि ये तो यूनिट है, रुपीस कैसे निकाले, तो आपको प्रोडक्शन के वैल्यू को प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट रेट निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने ये करा। यानी क्लोजिंग स्टॉक का ऑलवेज आपको यूनिट एग्जामिनर देगा, और क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई किससे करना है वो इस रेट के फॉर्मेट में आपको पता चलेगा, यानी आपको रेट निकालना भी आना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेगा बताओ पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रहा है प्रोडक्शन का, तो आपको यही फॉर्मूला लगा के पूछेगा। और ऐसा भी पूछ सकता है बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स का पर यूनिट क्या पड़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने कितने यूनिट बेचे हैं सर, 16,000, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, 16,000 से कर दोगे, क्योंकि इसके बाद जितने भी पॉइंट चल रहे हैं 16,000
इससे ऊपर जितने भी खर्चे निकाले जा रहे हैं वो किस पे निकाले जा रहे हैं, 17,100 यूनिट पे। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ हमारे लाइक है। ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है किसमें सर, होमवर्क में। देखो 17,000 16,000 मेरे को तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, सेम ही है भाई, ये रिपीट है, ये सेम ही है। ये क्वेश्चन होमवर्क में, एक क्वेश्चन और होमवर्क में, कल होमवर्क आज ही रात को अपडेट करूंगा यार, टाइम ना ऐसे बीत जाता है। चलिए एक बार बुक भी आ जाए ना, कितने क्वेश्चन नए अपडेट हुए हैं आपके, तो हम नए नए क्वेश्चन लिखे, वैसे तो सारे वो क्वेश्चंस हैं बुक के। क्या कहता है, फाइंड आउट द रॉ मटेरियल, क्या बोल रहा है आपको, फाइंड आउट रॉ मटेरियल परचेज, प्राइम कॉस्ट दे दिया, क्लोजिंग डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी किसमें डाल दें, होमवर्क में। तो मैं होमवर्क के लिए कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ अलग से फोल्डर में अपडेट करूंगा, अभी बैठ के ही करूंगा मैं अपडेट, दो से नहीं, तीन चार क्वेश्चन हो गए, तीन चार क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले मैं होमवर्क में बता दूं, ये जितने क्वेश्चन देख रहे हो मेरे पास एक पुरानी स्लाइड है, उसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है। सर क्लास कब एंड होगी, बस एंड ही कर देते हैं आपको, मैं काफी सारे क्वेश्चंस ये होमवर्क में दूंगा। क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है, आपने कॉस्ट शीट में देखा जो क्लियरेंस था वो मैंने बताया, काफी सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं उसके ऊपर स्टार अभी से मार्क करके चलूंगा ताकि आपको पढ़ लो। बुक आ जाएगा तो बुक के क्वेश्चन सिमिलर आपके पास मैच हो जाएंगे। मैं आज ही अभी थोड़ी देर बाद आपको अपडेट हो जाएगा, क्या सर, थोड़ी देर बाद मतलब 11 बजे तक आपको PDF अपडेट हो जाएगा और 4 से 5 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूंगा और फिर इसका कल शाम को 5 बजे आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। पहले आप कल 5 बजे तक वो 4 से 5 क्वेश्चंस कर लोगे, उसके बाद इसके होमवर्क के मैं क्या दे दूंगा आपको, वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा, ताकि अगली क्लास के अंदर फिर भी मैं एक बार पूछूंगा आपसे कि अगर कोई डाउट है तो आप बताइए वीडियो देखने के बाद भी। अगर आप बोलते हैं नहीं सर वीडियो में क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर बोलोगे सर अभी भी डाउट है वीडियो को देखने के बाद तो फिर हम करेंगे, यानी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी और करेंगे इस चैप्टर के। अभी मैं अपलोड कर दूंगा मानसी सर, इंटरनेशनल बिजनेस की क्लास मान के चलो 13-14 से स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन कम पड़ गए, नहीं तो मैं क्लास तो थोड़ी लंबी लेता, क्वेश्चन कम पड़ गए मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट, टेक केयर, और जो होमवर्क दूंगा उसको जरूर ट्राई करिएगा, कल वीडियो से जरूर मैच करिएगा। मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं उसकी प्रॉपर वीडियो दूंगा ताकि जहां भी आपको डाउट हुआ हो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट।